ग्रुप पिक्चर्स खींचते हुए ज्यादातर लोगों को यह प्रॉब्लम आती है कि ग्रुप पिक्चर में सारे लोग फोकस में नहीं आते। दूसरी प्रॉब्लम यह होती है कि यह समझ नहीं आता कि फोकस पॉइंट कहां पे रखा जाए। और तीसरी प्रॉब्लम यह होती है कि ग्रुप में जितने लोग होते हैं उसमें से एजेस के जो लोग हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 6 टिप्स देने वाला हूं जिनका अगर आपने ध्यान रखा तो आपके ग्रुप पिक्चर में सारे लोग फोकस में आएंगे, एजेस पर डिस्टॉर्शन नहीं होगा और बिल्कुल शार्प क्रिस्प पिक्चर आपको मिलेगी। ग्रुप पिक्चर खींचते हुए सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है फोकस पॉइंट। आपको कभी भी अपने कैमरे का आई फोकस पॉइंट नहीं यूज करना चाहिए जबकि आप ग्रुप शॉट ले रहे हो। ऐसे में आपको यूज करना चाहिए सिंगल फोकस पॉइंट। और सिंगल फोकस पॉइंट भी आपको कहां रखना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। तो जब ग्रुप के अंदर लोग खड़े होते हैं तो लगभग ऐसे कर्व सा बन जाता है, इसमें आपको सबसे पीछे वाले पर या सेंटर वाले के ऊपर फोकस नहीं करना है, ना ही आपको सबसे आगे वाले पर फोकस करना है। आपको फोकस करना है जो कि बीच में खड़ा हो। तो ये अगर इस तरीके का सर्कल आपको मिल रहा है तो उसके अंदर आप बीच में खड़े हुए किसी भी साइड पे खड़े हुए इंसान के ऊपर आप फोकस करेंगे। तो जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो इस तरीके से खुलेगी, सो पीछे वाले लोग भी फोकस में आएंगे, आगे वाले लोग भी फोकस में आएंगे। सो ये था पहला पॉइंट कि आपको आई ऑटो फोकस नहीं यूज करना है बल्कि उसकी जगह आपको सिंगल पॉइंट फोकस यूज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है ग्रुप पिक्चर लेते हुए कि आपको अपने लेंस का अपर्चर मैक्सिमम ओपन नहीं करना है। अगर आप 1.8 का लेंस यूज कर रहे हैं तब भी आपको 1.8 का अपर्चर नहीं रखना है, और अगर आप F4 यूज कर रहे हैं तो भी आपको F4 का अपर्चर यूज नहीं करना है बल्कि आपको अपर्चर यूज करना है 5.6 या F8 के बीच में। 5.6 F8 के ऊपर अगर आप ग्रुप पिक्चर्स खींचेंगे तो उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड आपको काफी ज्यादा बड़ी मिलेगी जिसकी वजह से हर कोई फोकस के अंदर आएगा। सो इस बात का ध्यान रखें कि 5.6 और F8 के बीच में आपको पिक्चर लेनी है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकल लेंथ। ज्यादातर लोग 24-70 का लेंस यूज करते हैं और इसमें कोशिश ये करते हैं कि वो 24 के ऊपर पिक्चर को खींचते हैं। जब आप 24 पे ग्रुप पिक्चर लेने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी आगे आना पड़ेगा, और जब आप आगे आएंगे तो 24 इतना वाइड है कि जो एजेस पे लोग खड़े हुए होंगे वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। सो एक परफेक्ट फोकल लेंथ आपको मिलेगी 35 से 50 की फोकल रेंज के अंदर। अगर आप 35 का लेंस यूज कर रहे हैं तो बहुत ईजी है क्योंकि आप 35 की फोकल लेंथ को यूज कर सकते हैं, पर अगर आप 24-70 के लेंस को यूज कर रहे हैं आपको अपने लेंस को 35 से 50 की फोकल रेंज में रखना चाहिए और आपको ग्रुप शॉट लेते हुए अपना डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए। जितना डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे उतना ही डिस्टॉर्शन कम होगा और आपको डेप्थ ऑफ फील्ड भी ज्यादा बड़ी मिलेगी जिससे सारे लोग आपके पिक्चर के अंदर फोकस में आएंगे। सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रुप शॉट लेते हुए 35 से 50 की फोकल रेंज को यूज करें और अपना डिस्टेंस ज्यादा बना करके रखें। अगली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको अपने कैमरे का ISO बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं रखना है। अगर आप अपने कैमरे के ISO को 1600-3200 के ऊपर लेके जाएंगे ग्रुप शॉट लेते हुए तो वैसे ही ISO बढ़ाने पर डिटेल्स इमेज में कम हो जाती है, और अगर आप लो रेजोल्यूशन कैमरा यूज कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि उसके अंदर डिटेल्स कितनी ज्यादा कम हो जाएंगी। सो आपको करना यह चाहिए कि आपको अगर ISO बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो आप मैक्सिमम 400 तक जाएं। अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि लाइट बहुत कम होती है, 5.6 के अपर्चर पे हम शूट कर रहे हैं, सो ऐसे में हम किस तरीके से ISO को कम रख सकते हैं। तो सिंपल सी चीज ये है कि ग्रुप शॉट अगर आपको खींचना है तो आपको 2 लाइट कम से कम यूज करनी चाहिए, और शटर स्पीड को आप थोड़ा सा कम कर सकते हो क्योंकि अगर आप शटर स्पीड को कम करोगे सो एक्शन फ्रीज करने के लिए आपकी 2 लाइट्स लगी हुई हैं वो काफी हैं। ऑन कैमरा फ्लैश लगाकर ग्रुप शॉट लेने की गलती मत करना, ना तो इक्वली लाइट सबके ऊपर पड़ेगी और आपको ISO डेफिनेटली बढ़ाना ही पड़ेगा। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको फुल फ्रेम कैमरा यूज करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ग्रुप शॉट लेना है सो आपको हाई रेजोल्यूशन कैमरा यूज करना चाहिए, पर अगर आप हाई रेजोल्यूशन कैमरा को अफोर्ड नहीं करते हैं तो एटलीस्ट आपके पास में एक फुल फ्रेम कैमरा होना चाहिए। अगर आप क्रॉप सेंसर के ऊपर ग्रुप शॉट लेने की कोशिश करोगे तो उसमें डिटेल्स अपने आप ही नहीं आएंगी, सो आपको फुल फ्रेम सेंसर जरूर यूज करना चाहिए। फुल फ्रेम कैमराज आजकल इतने एक्सपेंसिव नहीं है, एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा भी अगर आपके पास होगा तब भी आप ग्रुप पिक्चर्स बहुत अच्छी खींच सकते
सकते हैं, हर किसी को फोकस में रख सकते हैं। अब अगली जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, वो मैं लगभग अपनी हर वर्कशॉप के अंदर लोगों को कहता हूं, और वो ये है कि जो घटिया सा फिल्टर आपने अपने लेंस के ऊपर लगा रखा है उसको उतार के फेंक दो, क्योंकि आपकी इमेज में डिटेल्स ना आने का रीजन ये जो सस्ता सा फिल्टर आप अपने लेंस के ऊपर लगा कर रखे हुए हैं, इसको अगर आप हटा देंगे तो आपके लेंस की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। पर अगर आपको डर लगता है, आपको ये लगता है कि इस पे उंगलियों के निशान आ जाएंगे या डस्ट पड़ जाएगी, तो मैं तो ये कहूंगा यार उसको साफ कर लो। लेकिन अगर फिर भी आपको फिल्टर यूज करना है तो एक अच्छी क्वालिटी का फिल्टर खरीदो, और अच्छी क्वालिटी के यूवी फिल्टर अगर आप लेने जाओगे तो वो 1000 रुपए से कम नहीं आएंगे। तो 100-150-200 रुपए के जो फिल्टर आप यूज कर रहे हो उनको तो इमिजिएटली हटा के फेंक दो, आपकी इमेज की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सो ये थे मेरे 6 टिप्स जो मैंने आपको दिए, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको वेडिंग के अंदर या किसी भी सिचुएशन में ग्रुप पिक्चर्स खींचने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं या कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना, और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हो आप, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो यार।